हमारे साथ शिवसेना के नेता हैं इंतिकाब फारूकी जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया मेरा नाव से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। भी सर आपसे ये भी यही कहना चाहेंगे किस तरीके से मॉनसून शुरू नहीं हुआ कि दुर्घटना घट गई, क्या कहेंगे आप? वैसे तो आपकी पूरी पार्टी या पूरी सरकार अगर बात करें तो अपने में ही व्यस्त है, जनता का क्या ही ध्यान देंगे, जनता का सुख दुख देखने के लिए आपकी सरकार के पास समय ही कहाँ है? देखिए हमारे जो विधायक है वो तो आपने देखा कि वो वहां पर मौजूद नहीं है श्वेता जी। और आज ये जो हादसा सामने आया कि चार माले की जो बिल्डिंग थी वो नीचे मतलब ढह गई और कई लोग उसमें जख्मी हो गए और दो से चार लोगों की जान भी गई है। बहुत ही दुख की बात है, हमें समझना चाहिए इस बात को। और क्योंकि बारिश का मौसम है, बीएमसी ने भी वहां पर लेटर दिया हुआ था कि आप प्लीज इस बिल्डिंग को अंडर रिपेयरिंग में है, आप लोग होशियार रहिए, इसको खाली कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी समझ में आता था कि बाद में लोग आकर उसमें रहना चालू कर देते थे। और इंसान को ये समझना चाहिए कि देखिए जान है तो जहान है, और बारिश का मौसम है, इतनी पुरानी बिल्डिंग हो गई है तो हमको खुद को भी अपनी जान का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को उस बिल्डिंग को खाली कर देना चाहिए था, उनको भी थोड़ा अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए था। और क्योंकि अभी बारिश है, मैं आपके चैनल के भी माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो भी ऐसी बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं जिसको बीएमसी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि आप इस बिल्डिंग को अभी खाली कर दो, इस बिल्डिंग में मत रहो, फिर भी लोग पीछे से जाकर उसमें रहते, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी बिल्डिंगों में लोग ना जाए और खुद अपनी जान को संभालने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, लोग अपनी जान संभालने की कोशिश करें, खुद सुरक्षित रहें, ये लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप भी ये समझ सकते हैं कि जब एक तबका होता है जिनके पास हो सकता है, अगर आपने ये सुविधा मुहैया कराई होती उन्हें रहने के लिए, या जिस तरीके से हमने देखा कि बार बार उन्हें नोटिस भेजा गया समय समय पर, जैसा बीएमसी का ये दावा है कि लोगों को बार बार समय समय पर नोटिस भेजा गया कि वो इमारत खाली करके कहीं और चले जाएं, सवाल यही उठता है यहाँ पर इंतकाब साहब कि अगर लोग वहां से मूव नहीं हुए, लोग वहां से नहीं हटे, इसका मतलब है कि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं था, और दूसरा विकल्प अगर नहीं था तो सरकार ने, प्रशासन ने उन्हें ये विकल्प दिया क्यों नहीं? देखिए श्वेता जी, अगर ये लोग बिल्कुल सामने आते और आगे आते और कहते कि उनके पास नहीं है रहने के लिए जगह, तो बिल्कुल वो चीज को भी प्रोवाइड किया जाता, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। कुछ लोग क्या होता है कि वो कहीं पर अपने नजदीक में घर देख लेते हैं, रहना चालू कर देते कि नहीं भैया आप इस बिल्डिंग में रहना, हमारे लिए जान से खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें हैं और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो बिल्कुल सरकार उस पर ध्यान देती है और लोगों को कहीं पर जगह प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ पर रहो आराम से, जब तक आपको दूसरा घर वहां पर आपको वापस नए तरीके से तैयार होके मिलता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये जो देखने को मिला, आपने देखा कि हमारे खुद सारे नेता वहां पहुंचे, आदित्य ठाकरे साहब वहां पर मौजूद है, सारे हमारे लीडर पहुंचे, सबको दुख हुआ ये देखकर। और क्योंकि अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है, हमें आगे बहुत होशियार रहने की जरूरत है। और जहां जहां ये बिल्डिंग है, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके पास में रहने के लिए जगह नहीं है तो बिल्कुल आपको आगे आकर बात करनी चाहिए। सर लोगों को होशियार रहने की जरूरत तो है, लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों से ज्यादा जो सुरक्षा की जिम्मेदारी वोट देकर आपके पाले में उन्होंने डाला है, खुद की जिंदगी आपकी झोली में डाला है, ऐसे में नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी सरकार को उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि आप उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ दें? देखिए श्वेता जी, क्योंकि अपना अपना घर तो आप सुरक्षित रखते होंगे ना सर, मानसून के पहले उसे रिपेयर तो करवाते होंगे, तो ऐसे मुंबई की जनता का भी तो ख्याल रखिए। देखिए श्वेता जी, रिपेयरिंग तो जब भी होगा जब लोग उस जगह को खाली करके देंगे और तभी वहां पर उसको रिपेयरिंग का काम शुरू होता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग भी अगर वहां पर रह रहे तो काम कैसे होगा, ये भी बात एक सामने आती है। तो एक चीज ये है कि लोग जब अगर उस चीज के लिए एग्री हो जाए कि ठीक है आप हमें कोई जगह दो और आप अपने जो बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम है उसको आप शुरू करो, ये भी बातें होती है, दोनों तरफ से बातें होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर एक ही चीज पे हम बात करें। लेकिन श्वेता जी, फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, सरकार पूरी तरीके से अब इस चीज पर ध्यान दे रही है, बारिश का मौसम शुरू हुआ है, बिल्कुल जहां जहां इस तरीके की बिल्डिंग है उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है कि जहां पर भी है वहां से लोगों को खाली किया जाए और उनको एक जगह प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इस तरीके की पुरानी बिल्डिंगों में रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। जी वो सब जानते हैं सर, ये हम भी जानते हैं किस तरीके की पुरानी और जो जर्जर इमारतें हैं उसमें रहना कितना खतरनाक होता है, उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की जान जा रही है। आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आपकी सरकार खुद जो कि गुत्थम गुत्थी में लगी हुई है इस वक्त, कि सरकार रहेगी जाएगी वो भविष्य में पता चलेगा, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये जो जनता है, मुंबई की जनता है, इनका आधार कहीं ना कहीं खो गया है? किसके पास जाएं, किससे मिन्नतें करें? आपके जो विधायक साहब हैं वो तो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, मुआवजे की घोषणा उन्होंने कर दी, क्या मुआवजे की घोषणा से सारी चीजें तकलीफ पूरी हो जाती हैं? जी देखिए, आप तो खुद देख रहे हैं कि क्या चल रहा है वहां पर, खुद उनके जो
विधायक है वो वहां पर मौजूद नहीं है, और हम तो खुद ही आप समझ रहे हैं कि हम खुद ही चाह रहे कि वो विधायक आना चाहिए। और अभी क्योंकि सारे ये जो काम है देखा आपने, ये भी चीज जो हो गई अभी, इसका कोई हादसे का कोई वक्त नहीं होता, कोई बता नहीं सकता, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान देंगे, और हमारी सरकार जो है वो पूरा पूरा जनता के साथ खड़ी हुई है, और आगे से भी जो मानसून का ये मौसम शुरू हुआ है इसमें बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। आप इस बात का विश्वास रखिए और हमारी सरकार बिल्कुल इस पर काम करेगी। चलिए, आशा यही करती हूँ कि ऐसा ही हो, और मानसून तो अभी शुरू ही हुआ है, पूरा मानसून बीत जाए और मुंबई के एक भी निवासी को रेफ तक ना आए, तब आपकी ये जो आप बातें कर रहे हैं वो धरातल पर सही साबित होंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंतकाब साहब।